शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। बेटा अब तुम जल्दी गोरखपुर वापस आ जाओ, हमने सारा इंतजाम कर लिया है। और चंद्रा है ना चंद्रा, उसके खिलाफ ऐसा सबूत मिला है कि भानु अब तुम्हारी बेगुनाही पर पूरा यकीन कर लेगा। लेकिन बाबूजी ये हुआ कैसे? और मुझे नहीं लगता कि भानु भैया इतनी आसानी से मानेंगे। अरे बेटा मैं कह रहा हूँ ना, हमारे पास बहुत बड़ा सबूत है। लेकिन बाबूजी। हाँ बाबा, हमारे पास पूरा प्लान है, हमारे ऊपर भरोसा रखिए ना। और हमने चंद्रा आंटी के खिलाफ इतना तगड़ा सबूत ढूंढा है कि वो मुकर भी नहीं पाएंगी। और हाँ देखना, भानु अंकल खुद आपको इस हवेली में लेकर आएंगे। सच? क्या वो दो हंसों का जोड़ा घर आ रहा है? हाँ भाभी, बाबूजी ने खुद हमें बताया। वैसे एक बात बताए, हमारे झगड़े वाला नाटक कामयाब रहा। इन लोगों को लगता है कि हम इनकी टीम में। पर ऐसा क्या हुआ है, कुछ पता चला है क्यों आ रहे हैं? बाबूजी बस बताने ही वाले थे हमें कि वो दादी अम्मा श्रवणी आंखें मटका मटका के चुप करा दी बाबूजी को, इसलिए हम जान ही नहीं पाए। ऐसा कौन सा तुरुप का एक कार लग गया इन लोगों के हाथ में? कहीं श्रवणी के हाथ वो वीडियो तो नहीं लग गया? हम ही कहा सुन रहे बहना, नेत्रा और केशव हवेली में आ रहे हैं। हाँ, यही सोच सोच के तो हमारा भी सर घूम रहा है। वैसे देखा कितने बड़े वाले कलाकार हैं हम, निकाल लाए ना इन बार में सर। इन लोगों को लगता है कि हम लोगों का रिश्ता टूट गया, तभी हम बनाए हुए हैं आप लोगों को। लेकिन इनको क्या पता कि हमारा रिश्ता तो फाइनल है। यो मिस्टर जी, बड़ी काम की चीज है, हम याद रखना। सही बात है, भाभी ननद की जोड़ी बिल्कुल बढ़िया है। हाय दैया, लगता है श्रवणी को फोन मिल गया है। लेकिन हम भी तुमसे बड़े वाले खिलाड़ी हैं श्रवणी, फोन तो हम तुमसे ले के रहेंगे। वो जरा सी लड़की हमको लोहा देगी और हम उसको जीतने देंगे? ऐसी गलतफहमी तो हमारे दुश्मनों को भी ना, 21 दिन की चुनौती तो हम ही जीतेंगे। अरे वाह बेटा, इतनी सुंदर रंगोली बनाई तुमने, हमको तो पता ही नहीं था ये गुड़ भी है तुम्हारे पास। लेकिन काहे बना रही? किसी के आने की तैयारी में। अच्छा, किसके आने की तैयारी हो रही है? कोई खास है, बहुत खास, पर हम आपको अभी क्यों बताएं? बताओ ना, देखो हम भी इंतजार करेंगे ना फिर। ओहो भानु अंकल, आपको कोई चीज जानने की ना बहुत जल्दी होती है। अभी जो आने वाला है हम उनकी पसंद की तैयारी करने में अभी व्यस्त है, बाद में बताएंगे। अरे व्यस्त लेकिन बेटा, अरे सुनो तो, सरप्राइज है। अरे क्या सरप्राइज? कौन आने वाला है? हे वाह, आज तो हमारी रसोई राज रसोई लग रही है। किसकी दावत है भाई? ये हमने और रुपेश भी आने मिलकर किया है सब कुछ, है ना? बढ़िया बढ़िया तो है, लेकिन किसका मौका ले ये रुपेश? नहीं रुपेश भी, आप कुछ नहीं बताएंगे? क्या बताएं दीदी, शबनी का हुक्म है, हम सब बना रहे हैं। अब आप ही बताइए, सरप्राइज तो ना बताया जाता है। लेकिन हाँ, हम आपको ये बता सकते हैं कि हमने खाने में क्या बनाया है। बताओ। लिट्टी चोखा, खीर, आलू की सब्जी और करेला और बहुत कुछ। रे बाप रे बाप, लेकिन रुपेश तुम ये सब बना रहे हो वो भी अकेले? क्या करें दीदी, राजकुमारी जी का जो हुक्म है बनाना तो पड़ेगा। धन्यवाद रुपेश भैया। अरे आराम से, लेकिन ये तुम्हारी राजकुमारी इतनी उछल कह रही है? राम जाने दीदी, लेकिन हाँ आज बहुत खुश है। दीदी दीदी,
हम पनीर भूल गए, हम लेके आते हैं, आप जब तक गैस देख लेंगे। ठीक है दी, हम आते हैं। कमल गट्टे की सब्जी, फरे, लिट्टी चोखा, खीर पूरी, आलू की सब्जी, ये सब तो हमारे केशव भैया को पसंद है। मतलब बाहुजी ने जो कहा था कि केशव भैया घर आ रहे हैं, वो सही है। आज ना हम अपने गुलाबी वाले कपड़े पहनेंगे, हमारे ऊपर बड़े अच्छे लगते हैं। बाबा भी देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। अरे हाँ, स्त्री भी कर देंगे, फिर और अच्छी लगेगी। उड़ रही हो ना तुम आजकल, वो वीडियो है ना तुम्हारे पास जो माँ ने बनाई थी, उसी के जोर पे तुम अपने माँ बाप को इस हवेली में लेकर आ रही हो ना। जी। तो इधर फोन दो हमें। हम नहीं दे सकते आपको। क्या कहा तुमने? हमने कहा कि हम आपको वीडियो नहीं दे सकते, हम वो वीडियो सर भानु अंकल को ही दिखाएंगे और किसी को नहीं। ऐसे नहीं मानोगी ना तुम। तो वो वीडियो हमें श्रावणी नहीं। अब भी नहीं? हम नहीं डरते आपसे। यहाँ पर भगवान जी फुर्सत में बैठे हैं कि जब पुकारोगी तो आ जाएंगे। चंद्रा, चंद्रा, अरे जल्दी दरवाजा खोलो, देर हो रही है। देखा, अगर भगवान जी को दिल से पुकारते तो वो जरूर सुनते। अरे चंद्रा दरवाजा खोलो, अंदर से काहे बंद की हो? अरे तुम दरवाजा काहे अंदर से बंद क्यों, कुंडी लगाए हुए हो तुम, हमको देर हो रही है ना। अरे श्रावणी बेटा, तुम यहाँ, तुम दोनों दरवाजा बंद करके अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो खेल रहे थे क्या? डरो मत चंद्रा आंटी, आपकी पोला शाम को ही खोलेंगे, अभी कुछ घंटे और चैन से रह लीजिए। वो अंकल, हमने दरवाजा बंद किया था, वो क्या है ना, हम चंद्रा आंटी को बता रहे थे कि आज शाम को कौन आने वाला है। अरे हमको नहीं बताया, इनको बता रही हो, ये तो गलत बात है। नहीं, वो क्या है ना, इनको साड़ी पहननी होती है ना, बहुत काम होता है, आपको थोड़ी साड़ी पहननी। हाँ सही बात है। हाँ हाँ, इसीलिए हमने उनको बताया, वैसे हमने बहुत सारी तैयारियां की है। अच्छा अच्छा, आज शाम को स्वागत आप ही करना। ठीक है, हम फैक्ट्री जाके आते हैं। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो आप? अभी तो बताया बेटा, फैक्ट्री जा रहे हैं। नहीं, वो हमने बहुत सारी तैयारियां की है, आप रुक जाइए ना प्लीज, आज आज के लिए छुट्टी ले लीजिए। अच्छा ठीक है, लेकिन ये तो बताओ आने कौन वाला है? वो हम आपको नहीं बताएंगे। अरे सुनो तो, अरे बड़ी शरारती है भाई ये बच्ची, आने कौन वाला है बताया कुछ? अच्छा, मासूम श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।